नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जस्ट 2012 में एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है इफ टू आइडियल डाइस आर रोल्ड वंस। हमारे पास दो आइडियल डाइस हैं, टू आइडियल डाइस आर रोल्ड और उनको एक बार उछाला जाता है। तो आगे कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि गेटिंग एटलीस्ट 1/6। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जब आप दो पासों को उछाल रहे हो तो एक कम से कम एक सिक्स तो आना ही चाहिए। हमारे पास दो पास हैं, उनको हम 36 प्रकार से उछाल सकते हैं। जैसे वन फर्स्ट पास से पर वन आ गया, सेकंड पर वन आ गया, फर्स्ट पर वन, सेकंड पर टू, इसी तरह वन पर फर्स्ट पर वन, सेकंड पर सिक्स, उसके बाद फर्स्ट पर टू, सेकंड पर वन, और फर्स्ट पर टू, सेकंड पर टू एंड सो ऑन, सेकंड पर भी टू और फर्स्ट पर टू और सेकंड पर सिक्स। इसी तरह फर्स्ट पर यदि थ्री आ जाए, सेकंड पर वन आ जाए, सेकंड पर फर्स्ट पर थ्री आ जाए, सेकंड पर टू एंड सो ऑन, फर्स्ट पर थ्री आ जाए और सेकंड पर सिक्स। इसी प्रकार फर्स्ट पर फोर आ जाए, सेकंड पर वन, सेकंड पर फर्स्ट पर फोर, सेकंड पर टू एंड सो ऑन, सेकंड पर भी सिक्स आ जाए। और देखिए इसी तरह हम फर्स्ट पर फाइव, सेकंड पर वन, फर्स्ट पर टू, फर्स्ट पर फाइव, सेकंड पर टू एंड सो ऑन, फर्स्ट पर फाइव और सेकंड पर सिक्स। इसी तरह फर्स्ट पर सिक्स, सेकंड पर वन, फर्स्ट पर सिक्स, सेकंड पर टू एंड सो ऑन, और ये भी सिक्स सिक्स। अब देखिए ये छः प्रकार, ये छः प्रकार, ये छः प्रकार, छः 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 छः, तो जो टोटल प्रकार होंगे वो होंगे 36। तो हम दोनों पासों को 36 तरह से उछाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपको इसकी क्या देखिए पासों को उछालने की जो प्रायिकता है वो क्या है, वो आई हमारे पास प्रायिक छान। तो उछालने के पर जो प्रायिकता हुआ है हमारे पास आई 36, ये कहें तो। उसके बाद देखिए अब पूछ रहा है कि ये तो टोटल प्रायिकता है, अब हमें क्या निकालना है कि जब पासों को दो बार उछाला जाता है दो पासों को, तो कम से कम एक सिक्स आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए एक सिक्स आने की प्रायिकता कितनी है, एक तो यहाँ पर दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यहाँ पर सिक्स थ्री आठ, सिक्स फोर नाइन, सिक्स फाइव टेन और सिक्स सिक्स इलेवन। तो इलेवन ऐसे नंबर होंगे जहाँ पर कम से कम एक सिक्स तो आएगा। हमें यदि यह कह रहा है कि एक कम एक सिक्स तो आना चाहिए, यहाँ पर सिक्स सिक्स भी आएगा क्योंकि यहाँ पर सिक्स और सिक्स कम से कम बोल रहा है। यदि वो मिनिमम में वन बोलता तो ये जो सिक्स सिक्स है वो नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है मिनिमम कितना होगा, तो एटलीस्ट वन तो आना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी काउंट होगा। तो देखिए कम से कम एक छः आने की प्रायिकता, तो छः कितनी बार आ रहा है, ऐसे कितने पॉइंट है जहाँ पर कम से कम एक बार तो सिक्स आ रहा है, तो इलेवन। और टोटल प्रकार कितने हैं, हम कितने प्रकार से उन पासों को उछाल सकते हैं, 36। तो ये हमारा आंसर है 11/36। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑप्शन ए है 11/36, ऑप्शन बी है 1/36, ऑप्शन सी है 10/35, ऑप्शन डी है 5/36। तो इसका राइट आंसर होगा 11/36। अब देखिए चलिए इसी क्वेश्चन में हमें यह कहता कि अधिक से अधिक या कम से कम, ये तो छाने की प्रायिकता है कि कम से कम एक छाए, और ये चीज़ें पूछे हमें, आगे ये भी पूछ सकता है कि दोनों पासों पर, दोनों डाइस पर छः आने की प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी। तो दोनों पासों पर छः कितनी बार आ रहा, तो वन, तो 1/36। यदि ये पूछता कि दोनों पासों पर छाने की प्रायिकता
तो 1/36, और लेकिन हमें पूछ रहा है कि कम से कम एक सानी ब्रेक था, तो 11/36। और इसी तरह हमें पूछ सकता है कि और किस तरह ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। देखिए यहाँ पर एक और ऐसे भी पूछ सकता है कि एक भी छः न आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो एक भी छः न आने की प्रायिकता देखिए कितनी होगी। यहाँ पर फाइव तक ये, फाइव तक ये, फाइव तक ये, फाइव तक ये, और फाइव तक ये, तो कितनी होगी? 5, 5, 5, 5, 25, 25, 36 ये है। आप क्वेश्चन अगला किसी भी तरह से बना सकता है। तो देखिए इसमें हमें पूछा गया था कि कम से कम एक छः तो है, एटलीस्ट 1/6 तो एक पासे पर आना ही चाहिए। तो हमारे जो कुल प्रकार है वो है 36 प्रकार से हम इस पासा है उसको उछाल सकते हैं या उन पर नंबर हमें प्राप्त होंगे, लेकिन हमें पूछ रहा है कि कम से कम 1/6 तो आना चाहिए। तो 1/6 आने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पर एक आ रहा है, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ऐसे 11 प्रकार होंगे जहाँ पर कम से कम एक छः आ रहा है या 6 से एक से ज़्यादा आ रहा है। तो 11/ जितनी तरीके से आ रहा है अपॉन कुल नंबर, तो 11 प्रकार से तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा वो है, और 36 उसके कुल प्रकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। तो वीडियो को यहाँ देखने के लिए आपका धन्यवाद, और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।